फ्रॉम दादी सादी किचन से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली का मौका है तो शाही चिवड़ा तो बनता ही है। शाही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम डालेंगे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और उसमें होंगे नट्स और भी बहुत सारी चीजें, और इस चिवड़े को बहुत ही जो खट्टा मीठा और बहुत ही तीखा बनाएगी, जो स्पाइसी भी होगा। और इसे खाते से ही जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो वहां कहे बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही शाही चिवड़े को बनाना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे चिवड़ा बनाने के लिए पोहे। ये तलने वाले पोहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 300 ग्राम लिए हैं। और इसके साथ में हम ले रहे हैं मकई के पोहे जो कि तलने के लिए होते हैं, और इसे भी हम मिक्स करेंगे इसके साथ में। तो ये मैंने 150 ग्राम लिए हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला जो चिवड़ा में डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक आप स्वादानुसार लें। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब नमक ले रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी मसाला है और ये आप ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं इस पैन में और डाल रहे हैं साथ में काजू। रोस्ट कर लेंगे हल्की धीमी आंच पे, हमें इन्हें रोस्ट करना है। और काजू मैंने यहाँ पे 1 कप लिए हैं। ये देखिए हल्का गुलाबी रंग आ गया है, निकाल देते हैं इसे बाहर। और इसमें 1/2 चम्मच के करीब हम मसाला मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारे मसाला काजू तैयार हो चुके हैं। उसी ऑयल में हम रोस्ट करेंगे बादाम को। 2 से 3 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ डाल रहे हैं हम थोड़ी सी किशमिश। बस किशमिश डालने के टाइम में हमने गैस को ऑफ कर लिया है, निकाल देते हैं इन्हें बाहर। किशमिश को हमने इसलिए डाला है ताकि इस पर मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। और वही प्रोसेस करना है हमें, 1 चम्मच मसाला लेना है और इसके ऊपर डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए हमारे नट्स तैयार है। उसी पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और अब हम रोस्ट करेंगे मूंगफली को। जी हाँ, आपको मूंगफली को तलना नहीं है, रोस्ट करना है। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम मूंगफली ली है और धीमी आंच पे हम उसे रोस्ट करेंगे। और इससे जो मूंगफली है उसका कलर चेंज नहीं होगा ज़्यादा, बस हल्का सा कलर चेंज होगा। जब तक हमारी मूंगफली रोस्ट होती है तब तक हम नारियल के पीसेस कर देते हैं। ये देखिए हमने गोला ले लिया है नारियल का और इस तरह से नाइफ से पतली पतली स्लाइसेस निकाल देंगे नारियल की। ये देखिए बहुत पतली है, ऐसी ही निकालनी है। तो हमने 1/2 गोला यूज़ किया है यहाँ पे और उसकी स्लाइसेस निकाल दी है। मूंगफली को आप देख सकते हैं अच्छे से रोस्ट हो गई है, कलर देख सकते हैं आप इसका, काफ़ी अच्छा है इसका कलर। वहीं आपको मसाला मिलाना है, 1 चम्मच के करीब मसाला मिला देंगे। और जब हम गरम गरम में मसाला मिलाएंगे तो ये इसके ऊपर चिपक भी जाएगा। ये देखिए मसाला मूंगफली तैयार है। नेक्स्ट बना रहे हैं मसाला बूंदी, बहुत ही इंस्टेंट बनती है। और ये देखिए बेसन ले लिया है 1/2 कप। यहाँ डाल रहे हैं 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मिक्स कर लेते हैं इसे प्रॉपरली, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बहुत ही फटाफट से बनती है। ये देखिए ये बैटर तैयार है हमारा। हल्का सा ऑयल डालना है आपको, 2 चम्मच के करीब ऑयल डालना है यहाँ पे। अच्छे से फेंटना है इसे, बहुत ही इंस्टेंट बनती है। तेल हमने गरम कर लिया है और ये देखिए तो इस तरह का कोई झाला ले लेंगे और उसमें इस तरह से हम बूंदी निकालेंगे। बहुत ही फटाफट से बनती है और हमें जो चिवड़ा बनाना है उसमें बूंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप चाहें तो आपको मार्केट में भी मसाला बूंदी मिल सकती हैं, तो आप वो भी मिला सकते हैं। और लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है, देखिए बहुत फटाफट से बनती हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंट बूंदी बनके तैयार है, बहुत ही फटाफट से बनती है। निकाल लेते हैं इसे बाहर, झाड़ी में निकाल देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। दीपावली के समय में चिवड़ा सभी घर में बनता है, पर अलग अलग तरीके से बनता है। आप ये तरीका ज़रूर ट्राई करें।
ये देखिए बूंदी बनके तैयार है। आधा चम्मच मसाला मिला देंगे और मिक्स कर देंगे। टेस्टी मसाला बूंदी बनके तैयार है हमारी। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम अब, और उसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे मकई वाली चिप्स। ये देखिए बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं चाहिए, एकदम से धुआं निकलता हुआ तेल ना करें गरम, हल्का गरम करें। और इस तरह से झारी में डाल के अगर आप निकालेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसे निकालना। और वही प्रोसेस करना है, थाली में निकालना है और उसके बाद में इस पर मसाला लगा देना है। ये देखिए बहुत इंस्टेंट बनते हैं, फटाफट से हो जाते हैं। और मसाला लगाना है इसके ऊपर। ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही तले आप उसके बाद में सीधा मसाला लगा दें, इससे जो चिप्स है उसके ऊपर बहुत अच्छे से मसाला चिपक जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। ये देखिए सारे हमने अच्छे से तल लिए हैं और मसाला करीबन 1.5 चम्मच के करीब हमने इसके ऊपर लगाया है। एक थाली में निकाल लेंगे इसे। तो मकई की चिप्स हमने फ्राई करके साइड में कर ली है और अब हम फ्राई करेंगे पोहे। तो देखिए मैंने बारीक जाली ली है पोहे के लिए, और इस तरह से देखिए जब हम तेल के अंदर इस तरह से जाली रख के और पोहे को तलते हैं तो वेस्टेज भी नहीं होता है और आराम से पोहे तल जाते हैं बहुत ही फटाफट से। ये देखिए, और मसाला हमें सीधे ही लगाना है इसके ऊपर ताकि जो हमारे पोहे हैं वो अच्छा सा कलर ले लें। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी है, बहुत फटाफट से हो जाता है और इतना टेस्टी चिवड़ा बनके तैयार होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम मार्केट से नहीं लेके आए हैं। ये देखिए मसाला लगाते जाना है, कलर आ जाएगा पोहे के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, सारे पोहे हमने तल के तैयार कर लिए हैं और 2 चम्मच मसाला इसमें लगाया है हमने। उसी ऑयल में हम यहाँ डाल देंगे नारियल वाली जो कटिंग करके स्लाइसेस हमने तैयार करी थी उसे डाल देंगे। बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए जल्दी ही निकाल देंगे इन्हें बाहर, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो ये देखिए इस पर भी मसाला लगा देंगे हम। तो इन सब सामग्री को अब हम डाल रहे हैं एक परात में। ये देखिए सबसे पहले पोहे के चिवड़े डाल रहे हैं और इसके बाद में हम डाल रहे हैं जो मकई की चिप्स हमने तल के तैयार करी थी उसे डाल देंगे। अब हम मिलाएंगे बाकी की सामग्री। तो यहाँ मैं सबसे पहले डाल रही हूँ बूंदी। बूंदी डाल देंगे इसके अंदर। आपके पास अगर नमकीन हो बारीक से वो भी मिला सकते हैं। मेरे पास यहाँ मसूर की दाल है तो 1/2 कप के करीब है, उसे मैंने डाल दिया है यहाँ पे। मूंगफली डाल देंगे जो हमने अच्छे से रोस्ट करके तैयार करी थी। नट्स डाल देंगे इसके बाद में। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ पहले बादाम और किशमिश, और इसके बाद में हम डालेंगे काजू, और इसके साथ में हम डालेंगे जो नारियल हमने निकाले थे फ्राई करके हल्के से उसे डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, इसको इजी करने के लिए हम बड़ी परात में ले लेते हैं इसे। तो हमने बड़ा बर्तन ले लिया है और उसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस चिवड़े के ऊपर हम लगा रहे हैं एक और बघार, उसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 बाउल भर के हम ले रहे हैं यहाँ पे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते हमने बिल्कुल ताज़े लिए हैं और उसे इस तरह से फ्राई करते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप जो कड़ी पत्ते हैं उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल ग्रीन कलर के ही हैं। तो इसका एक ही रीज़न है क्योंकि हमने बिल्कुल ही जो कड़ी पत्ते हैं वो उनको सूखे हुए यूज़ नहीं किया है, ग्रीन ग्रीन कड़ी पत्तों का ही यूज़ किया है। और ये देखिए फ्रेश कड़ी पत्ते का लुक भी बहुत ही अच्छा रहता है इसमें। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बाकी का बचा हुआ मसाला, और इसमें हल्का सा अगर आप तीखा करना चाहें तो मैं यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। और इसमें हम डालेंगे शक्कर, पिसी हुई शक्कर का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 1/2 कप के करीब डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हींग ले रहे हैं हम यहाँ पे, अच्छी लगती है।
और आप सोचेंगे कि हमने जब बघार लगाया तो उसमें क्यों नहीं लिया, इसका टेस्ट ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए हमने आधा चम्मच के करीब हींग डाल दी है इसमें। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, आधा चम्मच के करीब। आप अपना एक बार टेस्ट कर ले चिवड़ा और उसके अकॉर्डिंग अपना मसाला कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा शक्कर और मिला लें। यकीन मानिए दीपावली के टाइम में अगर आप इस चिवड़े को ट्राई करेंगे तो जो भी रिलेटिव्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और इसे हम काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इसे एक बार ठंडा होने के बाद में एयर टाइट डब्बे में डाल के हम काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना ही सुंदर और कितना ही टेस्टी चिवड़ा बन के तैयार है। इसे निकाल रहे हैं हम एक बॉल में, ये देखिए। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।